हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आए हैं ये है स्मार्ट प्लग। तो जैसे कि आपने मार्केट में देखे होंगे आजकल स्मार्ट प्लग बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये हमने भी इस तरह का ही बनाया है। ये वाईफाई से ऑपरेट होता है, किसी भी मोबाइल में इसकी ऐप को इंस्टॉल कर लो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमने बना रखी है, वहां से इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्लग में चाहे आप कुछ भी प्लग कर सकते हो, चाहे आप फैन लगा दो, अगर आप इसमें फैन को प्लग करोगे तो फैन की जो स्पीड होगी उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप इसमें बल्ब, जैसे कि हमने डेमो के लिए बल्ब लगाया है, तो इसकी लाइट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन। और ये जो एप्लीकेशन है हमारी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, आप कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये नहीं है कि ये ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है, इसकी वाईफाई के साथ कनेक्टिविटी है, तो आप कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आपने कोई फ़ैन कनेक्ट करना है, या फिर आपने लाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना है, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो वो कर सकते हो। तो इसमें हमने ESP32 यूज़ करा हुआ है, जिसमें कि इनबिल्ट वाईफाई होता है। और जो कंट्रोल के लिए हमने लगा रखा है वो करंट कंट्रोलिंग मॉड्यूल है, जिसमें कि BT136 लगा होता है, जो कि उसको कंट्रोल करता है करंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज़ करा हुआ है। साथ में हमने एक प्लग लगा रखा है और 220 की सप्लाई डायरेक्ट दे रखी है, और एक इसमें सप्लाई सेक्शन लगाया हुआ है, अडाप्टर से ही इसको पावर दे रखी है। तो इस तरह से हमने काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करी है इसको, इससे भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट है तो हमने इसको जितना हो सकता है उतना करा है। तो अभी हम ऐप से इसको कंट्रोल करके दिखा देते हैं आपको ये ऐप से किस तरह से कंट्रोल होता है। सबसे पहले आपको वाईफाई ऑन करना होगा, इसको हॉटस्पॉट की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई भी इंटरनेट से की कनेक्टिविटी देनी होगी। जैसे ही आप इसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी दोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो अभी ये कनेक्ट हो चुका है हमारे इंटरनेट के साथ प्लग। अब आप ऐप में देख रहे होंगे, ऐप में कुछ बटन्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी ऐप में 10% हमने इंटेंसिटी करी हुई है लाइट की। तो जैसे ही हम इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी इसकी इंटेंसिटी हमने 64% कर दी, अभी 84 कर दी तो और ज़्यादा ग्लो करना लग गया बल्ब। अब 100% हमने कर दिया इसकी इंटेंसिटी, तो आप देख रहे हो कि बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। तो इसमें हमने एक टाइमर लगा रखा है, ये जो टाइमर आप देख रहे हो बटन, अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो विद इन 20 सेकेंड, जैसे ही 20 सेकेंड कम्प्लीट होंगे तो ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने टाइमर को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, आप देख रहे हो, जैसे मैं इसे ऐप का दोबारा आपको साइड में भी एक स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, तो अभी आप देख रहे हो कि टाइमर चल रहा है हमारा, आपके सामने बल्ब भी दिख रहा है आपको और हमारा टाइमर भी चल रहा है। तो जैसे ये टाइमर कंप्लीट होगा तो हमारी लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, टाइमर हमारा कंप्लीट और लाइट हमारी ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने एक बीच में करंट सेंसर भी यूज़ करा हुआ है, जो करंट सेंसर है अभी आप देख रहे हो कि वैल्यूज मतलब 0 point something आ रही है। तो जैसे आप लोग पहले बल्ब को हम ऑन करेंगे, तो हमने क्या करा, बल्ब को ऑन कर दिया। अब लाइट की इंटेंसिटी हमने बहुत कम रखी है, तो जो 10% इंटेंसिटी है, तो अभी आप देख रहे हो कि 1 ampere के राउंड अबाउट पे करंट ये कंज्यूम कर रहा है। अभी हमने इंटेंसिटी को फुल कर दिया, 100% कर दिया, तो 100% पे आप देखोगे कि इसकी जो कंजप्शन है वो 5 ampere होगी। अब हम इसको सेंटर में कहीं सेट कर देते हैं, जैसे कि हमने 47 पे इसको सेट करा, तो अभी आप देखोगे इसकी जो करंट कंजप्शन है वो कम हो जाएगी, 2 ampere के आसपास ये करंट को कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कितना ये करंट को कंज्यूम कर रहा है, ये भी आपको ऐप में दिख जाएगा और आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, आप फैन भी लगा सकते हो, फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट हमारा काम करेगा। तो ये IoT का कंप्लीट प्रोजेक्ट है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को बाय करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके इसको खरीद सकते हो। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू।